नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, और उन्होंने उसी समय जो है सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दी और उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग लगभग 3.5 घंटा चली और जैसा वीर बहादुर सिंह जी ने बताया कि एक एक मुद्दे पर डिटेल्ड आधा आधा घंटा 20-25 मिनट डिस्कशन हुआ, हर बात को डिटेल में समझा, कागजों के साथ उनको दिखाया गया। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो सुना और ये वीडियो जो बोलने वाले हैं ये ओआरओपी की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, यानी जो अनियमितता की जो है हमारे जेएसयू जवानों के साथ उसकी मांगों को एक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि मेरी रक्षा मंत्री जी से हमारी टीम की 3.5 घंटा बात हुई, करेक्ट बात। और उन्होंने कहा मैंने हर बिंदु को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की। अब समझाने की कोशिश की, एक पार्टी जो बना रही सीजीडी वाली और हमारे लिए लागू कर रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा, उसको हम जस्टिफाई करने में पूरी तरह सहमत हुए। बस उन्होंने जब हमने एक टेबल दिखाई और एक ग्राफ दिखाया, उससे उन्होंने कहा है कि जो सामने बैठे रक्षा मंत्री जी का लगा, उनके चेहरे को उनको धक्का लगा, जो कि एक बॉडी लैंग्वेज से पता चला, यदि ये सत्य है तो कहीं ना कहीं खामी है, यदि ये सत्य है तो कहीं ना कहीं खामी है। अब मैं इस खामी और सत्य दोनों की बात आपसे करना चाहूंगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि ORP 2 का मतलब आप दो हिसाब से लीजिए, मैं बहुत ज्यादा स्टडी करके नहीं आया था, मैं 20 साल पहले की कहानी बताऊं, हम आज की कहानी बता रहे हैं कि आप हमें दे रहे हो हजारों करोड़ों रुपए और वो हमें मिल नहीं रहा है। अब मिल क्यों नहीं रहा है वो एक सिपाही नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ना एक हवलदार जेसीओ, कोई सेना का बड़ा अधिकारी भी एक्सप्लेन कर नहीं सकता। हमें तो जो हमें मिल रहा है हमें पर्याप्त नहीं मिल रहा है, और हमसे ज्यादा उन्हें मिल रहा है वो हमने सिर्फ आपको बताने के लिए ये टेबल काफी है, जिसमें लिखा है कि सिपाही को पर मंथ कितना फायदा हो रहा है, नायक को, हवलदार को, ऑनरी नायब सूबेदार को घाटा हो रहा है, नायब सूबेदार को भी घाटा हो रहा है 2,1500, सूबेदार को 1,829 घाटा हो रहा है, दूसरे सूबेदार जो है 30 साल वाला उसको 1,600 रुपए का घाटा हो रहा है, सूबेदार मेजर को भी घाटा है, ऑनरी लेफ्टिनेंट को घाटा है, कैप्टन को घाटा है। यानी कि ये ORP जिसका नाम आपने 2 दिया है साहब, इसमें हमको घाटा है और ये सत्य। इतनी सी बात हम जानते हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूं, मैं भी इस चैनल से आपके लिए बोल रहा हूं कि हम इस तर्क में जाएंगे तो हमें नहीं पता, बट आपने दिया है हमें नहीं मिला है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा हुआ कि आपने लिख दिया कि कटेगा नहीं, बड़ा हुआ, नहीं तो सर हम कटने की स्थिति में है, हमारा पैसा माइनस, यानी हमारी बेसिक पेंशन रिड्यूस होने की स्थिति में थे। अच्छा हुआ, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। अब आ जाओ नीचे, बड़ा है मेजर साहब का 7,345, मेजर साहब का 7,345 और कैप्टन साहब का -41, वो भी रैंक से मैं एक रैंक ऊपर है। लेफ्टिनेंट कर्नल का 6,053, कर्नल का 12,320, ब्रिगेडियर का 12,245, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल का 9,479, 10,535। अब ये नीचे के दो रैंक का कम बड़ा है वो मिलिट्री सर्विस पे उनके लिए ब्रिगेडियर साहब के ऊपर नियुक्ति इसलिए हुआ है। अब मैं इसमें किसका दोष दूं? अब बात, अब सवाल है कि आपने 22,000 करोड़ 23,000 करोड़ पहले दिया होगा, लेकिन सर यहां तो मिला ही नहीं हमें तो कुछ। अब इसके ऊपर आप, इसका आधार है कि आपने जैसे सोचा है उगाया, जो कल जो बातें आ रही हैं सबके सामने कि अर्ली एज में जवान जेसीओ रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको रीसेटलमेंट का नहीं होता है, तो इसलिए इनको आरोपी समय समय 5 साल में उसको आप रिवाइज कर दिए ताकि सबकी एक बराबरी भी हो जाए सेम रैंक की और इनको कुछ फायदा हो ताकि इनका घर चलता रहे। क्या हम इस एम को इस टेबल से, ये सत्य है तो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? इसके ऊपर इस मंच पर, जंतर मंतर मंच पर, दिल्ली के हृदय से और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए और जो बुद्धिजीवी हैं और जो IAS अधिकारी हैं, बड़े बड़े IAS अधिकारी जो सचिव हैं, चाहे CGDA में हैं, चाहे वो DSW में हैं, चाहे वो PCDA में कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मानवता के नाते सोच लीजिए। आप उस पर मत जाइए कि मैं इसको असत्य सेट कर सकता हूं कि आपका पहले ग्रेड पे सिस्टम था या मैट्रिक सिस्टम था, जो भी सिस्टम था, बट आज आप हमें नहीं दे पा, हमारे तक ये चीज नहीं पहुंच रही और आप देना चाहते हो। सरकार की मंशा पे हमारा कोई प्रश्न चिन्ह भी कल किसी ने नहीं लगाया कि बिल्कुल रक्षा मंत्री क्यों नहीं अपनी सेनाओं को देंगे, सेना उनके लिए चाहे जेसीओ हो, चाहे जवान हो, चाहे
जनरल हो चाहे कर्नल हो, सब बराबर हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, महामहिम राष्ट्रपति जो कोई भी नहीं इसको चाहेगा, लेकिन इस भूल को सुधारा जाए, इस भूल को सुधारा जाए। और हर एक पे आप कमेंट्स देख लीजिए, मैं आपने एक और बीच में देखा होगा, टेबल के बीच में एक बंदर है, आराम से सब कुछ खा रहा है, फैसिलिटीज आप इसका मतलब समझ सकते हो। मैं और किसी की तरफ नहीं जाना चाहता कि बहुत सारी मीटिंग हुई और ये रखा तब हक्का बक्का हुए, और अब इसका असर 200% देखने को मिलेगा। धन्यवाद।